हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट सॉलिड स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी सॉलिड स्टेट में हमने इसकी स्टार्टिंग कर लिया था, क्या क्या चीज़ें मैंने आपको सॉलिड से रिलेटेड बता दिया था। तो सॉलिड से रिलेटेड मैंने आपको ये बता दिया था कि सॉलिड्स क्या होते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर होता है सॉलिड का, और डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है सॉलिड्स का, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इसके जो होते हैं वो शॉर्ट रेंज के होते हैं। देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजिशन। इसके पार्टिकल्स केवल मीन पोजिशन के अराउंड ऑसिलेट करते हैं। इसमें फ्लूडिटी या फ्लो नहीं होता है पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स का। कॉन्स्टिट्यूएंट का फ्लो किस में होगा? लिक्विड और गैसेस में होगा, इसलिए लिक्विड्स और गैसेस को हम फ्लूइड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो सॉलिड्स के अंदर क्या क्या चीजें ध्यान रखना है? डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, आयंस या कॉन्स्टिट्यूएंट के बीच की दूरी बहुत कम होती है। देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स पोजिशन, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट की पोजिशन फिक्स होती है। कैन ऑसिलेट ओनली एट मीन पोजिशन, ये केवल ऑसिलेट कर सकते हैं। दे आर इनकम्प्रेसिबल, और ये इनकम्प्रेसिबल होंगे। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड्स का हाई डेंसिटी होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने बात किया क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड के बारे में। तो फिर से क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो जैसा हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की भी प्रॉपर्टी है, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, परफेक्ट ऑर्डर, क्लोज पैकिंग, शॉर्ट रेंज रहता है, हार्ड, रिजिड एंड शेप डू नॉट डिस्ट्रॉय, इनके शेप को हम आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसके साथ साथ ये एनिसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था एनिसोट्रॉपी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपांशंस आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शन में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर करती है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं एनिसोट्रॉपी। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कुछ एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, जिंक सल्फाइड है, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर आते हैं। अब क्या डिफरेंस होता है इसका अमॉर्फस सॉलिड के साथ? तो अमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, अमॉर्फस सॉलिड का वॉल्यूम और शेप डेफिनेट नहीं होता है। डू नॉट हैव परफेक्ट ऑर्डर क्लोज पैकिंग, इसमें परफेक्ट ऑर्डर क्लोज पैकिंग भी नहीं होती है। और जहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड शॉर्ट रेंज वाले होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं? लॉन्ग रेंज वाले होते हैं। ठीक है, कैन बी डिस्ट्रॉय बाय कंप्रेसिव फोर्स, और स्ट्रॉन्ग कंप्रेसिव फोर्स लगा करके इसको हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसके साथ साथ ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, जिसमें इनकी अलग अलग डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल हैं ग्लास, प्लास्टिक और रबर। ग्लास के बारे में मैंने आपको बताया कि ग्लास इज कंसीडर्ड एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, अति ठंडा द्रव जो है वो कांच कहलाता है। सुपर कूल्ड लिक्विड को हम ग्लास कहते हैं। इट इज अ कैटेगरी ऑफ सूडो सॉलिड, और ग्लास जो है सूडो सॉलिड्स की कैटेगरी में आता है, क्योंकि किसी बहुत ओल्ड विंडो को जब आप ऑब्जर्व करेंगे, जब ध्यान से देखेंगे, तो उसका जो लोअर साइड होता है वो थिक हो जाता है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज के साथ साथ या टाइम के साथ साथ कहाँ आ गए हैं? नीचे की तरफ आ गए हैं। ठीक, इसके बाद हम लोगों ने एक फिनोमिना के बारे में बात किया था, दैट इज पॉलीमॉर्फ। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट की पैकिंग के कारण सम सब्सटेंसेस अडॉप्ट डिफरेंट अरेंजमेंट, ऐसा कहा मैंने, सम सब्सटेंसेस अडॉप्ट डिफरेंट
अरेंजमेंट इन डिफरेंट कंडीशन, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट अलग अलग टेम्परेचर पर ये बनते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर ये कंडेंस होते हैं, उसके कारण इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है और इस फिनोमेना को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फ। तो सम सब्सटेंसेस अडॉप्ट डिफरेंट अरेंजमेंट इन डिफरेंट conditions have different physical properties, इसके कारण diamond और graphite की physical properties बदल जाती है और ये polymorphism का example भी है, ये हमको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने बात किया types of forces in solid, solid में कितने type के force लगते हैं। देखिए अब ये unit आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं रिवाइज करता हूं वैसे वैसे याद कर लीजिए और इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका, है ना। अब टाइप्स ऑफ फोर्स इन आयोनिक सॉलिड, तो आयोनिक सॉलिड जैसे मैंने सबसे सिंपल एग्जाम्पल बताया आपको, सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक सॉलिड है, NaCl। तो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, किस चीज से मिलकर बना है, आयन से मिलकर बना है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आयंस से मिलकर बना हुआ है। आयंस में भी आयंस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज आयंस है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयोनिक कंपाउंड के बीच कौन सा फोर्स लगता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज कुलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स, और इसको हम कुलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स भी कहते हैं। तो सिंपली ध्यान रखना है आयोनिक सॉलिड में कुलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। अब जैसे कोवेलेंट सॉलिड की अब बात करें, डायमंड है ग्रेफाइड है, तो इसके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, तो डायमंड ग्रेफाइड इन सब के बीच का जो फोर्स है वो उसका अपना कोवेलेंट बॉन्ड है। तो सहसंयोजक बंधों के कारण ये इतने दृढ़ होते हैं, इतने मजबूत होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इज हियर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स इज द कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड तो मॉलिक्यूल किसके हैं, गैसेस के हैं, शुरू में कैसे हैं, कोवेलेंट है, कौन सा फोर्स लग रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के बीच आर्गन के बीच, कौन सा फोर्स लग रहा है मीथेन के बीच, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो जब इसको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड में लेके जाएंगे, मतलब हमने इसको लिक्विफाई किया देन सॉलिडिफाई कर दिया, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर कभी HCl के बारे में बात करते हैं तो HCl जो है वो पोलर भी होता है, पानी में लिक्विफाई होगा तो पोलर होने लगेगा, ठीक है। तो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन फोर्स काम करेगा, HCl में अगर स्पेसिफाई करते हैं तो डायपोल डायपोल इंटरैक्शन फोर्स। वाटर कैसा है, इनिशियली वाटर मॉलिक्यूल कोवेलेंट है, लेकिन उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अगर वाटर को हम आइस में भी लेके जाएंगे तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा। तो दिस इज अबाउट द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देन हमने बात किया इसके बाद मेटालिक सॉलिड के बारे में, तो मेटल्स में क्या होता है, द मेटल एटम लूजेस द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव चार्ज, मेटल एटम पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कर्नेल्स, जिसको हम कर्नेल्स कहते हैं, एंड देयर आर सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन और कर्नेल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, एंड हबब स्पेसिफिक टाइप ऑफ शार्पनेस, और इससे उसके उस स्पेसिफिक टाइप ऑफ शार्पनेस मतलब विशेष प्रकार की चमक धातु के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ सिमेट्री इन सॉलिड, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल टाइप की बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और चूंकि ये सब चीजें हमें बहुत 3D डायग्राम्स में रहते हैं तो आसानी से देखने को भी नहीं मिलता, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन छूट जाए, इसलिए जो चीजें आती है उसको सिंसियरिटी से याद कर लेना है, ठीक है। तो
टाइप्स ऑफ सिमेट्री इन क्रिस्टल, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का नंबर होता है 9, एक्सेस ऑफ सिमेट्री का नंबर होता है 13, और सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है 1, और कुल 23 टाइप की सिमेट्री होती है किसी सॉलिड के अंदर। ठीक है, तो टोटल 23 टाइप ऑफ सिमेट्री आर देयर इन द सॉलिड। उसके बाद हम लोगों ने इसके पहले बात किया था प्रिमिटिव सिस्टम के बारे में, तो प्रिमिटिव सिस्टम को भी आपको अच्छे से रिकॉल करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको एक क्वेश्चन मिलना चाहिए प्रिमिटिव सिस्टम से। ठीक है, तो क्यूबिक सिस्टम के बारे में जब हम लोगों ने बात किया, तो क्यूबिक सिस्टम क्या होता है, जो उसके एज लेंथ होते हैं वो सब बराबर होते हैं, मतलब ये तीनों एज लेंथ उसके, जैसे आप इसको ए कह लो, इसको बी, इसको ए कह लो, इसको बी कह लो, इसको सी कह लो, तो तीनों एज लेंथ जो होते हैं क्यूबिक के अंदर वो इक्वल होते हैं। जैसे मैंने कहा एक 5 सेंटीमीटर का होगा, तो तीनों 5-5 सेंटीमीटर के होंगे, और सभी एंगल्स कितने होते हैं इसमें 90 के बराबर होते हैं, ऑल एंगल्स आर 90। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, सारे एंगल 90 के बराबर होते हैं किसी क्यूबिक सिस्टम के अंदर, और सभी जो एज लेंथ होती है, जो दो एटम के बीच की डिस्टेंस होगी ए बी सी, वो हमेशा तीनों के लिए कैसी होती, सेम होती, तो कहीं से भी पलट देंगे तो वो सेम दिखेगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको रोम्बिक का बताया था, उससे आप अंदाज लगा सकते हो, जैसे मैच बॉक्स होता है तो इधर वाला लंबाई थोड़ा उसका ज्यादा रहता है, ये वाला थोड़ा कम रहता है, और जो मोटाई रहती है वो थोड़ी और कम रहती है, उसकी मोटाई जो रहेगी वो थोड़ी और कम रहेगी, लेकिन सारे एंगल कैसे रहते हैं मैच बॉक्स में, 90 के रहते हैं। ठीक है, तो मैच बॉक्स में तीनों लेंथ जो रहती है, मैच बॉक्स थोड़ा बड़ा होगा ऐसा, इधर वाली जो साइड लेंथ होगी वो कम और मोटाई उससे भी कम, लेकिन सारे एंगल 90 के होंगे रोम्बिक सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम के अंदर। तो मैच बॉक्स से आसानी से अंदाज लगाया जा सकता है इसका, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 फॉर द ऑर्थोरोम्बिक। और टेट्रागोनल सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था, A is equal to B, but B is not equal to C, but all the angles are 90, alpha equal to beta equal to gamma equal to 90. तो ये हमारे तीन सिस्टम हो गए, क्यूबिक जहां पर A equal to B equal to C, और alpha equal to beta equal to gamma equal to 90. अगर आप इसके बाद टेट्रागोनल की बात करोगे तो एक लेंथ कट जाएगा, A is equal to B, but B is not equal to C, but alpha, beta, gamma equal to 90. इसके बाद orthorhombic में A is not equal to B, B is not equal to C, but alpha, beta, gamma equal to 90. उसके बाद हम लोगों ने बात किया monoclinic के बारे में, जहां पे A is not equal to B and B is not equal to C, alpha, gamma equal to 90, beta is not equal to 90. ये monoclinic। उसके बाद hexagonal system, A equal to B, but B is not equal to C, alpha equal to beta equal to 90 और gamma equal to 120 in hexagonal। इसके बाद rhombohedral या trigonal, जिसमें A equal to B और B equal to C रहता है, alpha, beta, gamma तीनों जो है वो it is not equal to 90। और triclinic में A is not equal to B, B is not equal to C, alpha is not equal to beta is not equal to gamma is not equal to 90। ठीक है, तो जैसे भी ये याद हो आपको, इन तीनों इन सभी साधन प्रिमिटिव सिस्टम्स को आपको याद करना है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया यूनिट सेल के बारे में, तो जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं किसी सेल के, किसी भी क्रिस्टल के जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम कहते हैं लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। दो लैटिस पॉइंट्स को मिलाने वाली जो हाइपोथेटिकल लाइन होती है उसको हम कहते हैं लैटिस लाइन। और यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल का जो सबसे स्मॉल पोर्शन रहता है उसको हम कहते हैं यूनिट सेल, जो कि बार बार रिपीट होकर के रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस टू फॉर्म टू जनरेट इंटायर क्रिस्टल। ठीक है, और तीन साइड्स रहती है ए बी सी, और उसके बीच तीन एंगल रहेंगे अल्फा, बीटा और गामा। तो यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पर, यहाँ पे आगे क्या क्या चीजें करना है उस पर बात करते हैं। मेन
जो बात है वो ये है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना देते हुए क्या करना है, क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना है और यूनिट को मेरे साथ साथ रिवाइज कर लेना है। मैं हर बार रिवाइज कर दूंगा तो आपका पूरा यूनिट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स में नहीं है तो उसको अभी छोड़ के रखेंगे, ऐसा काम नहीं करना है, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन भी मिले तो हमारे लिए अच्छी बात है ना। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, इकाई कोशिका के प्रकार। और यूनिट सेल्स जो होते हैं वो 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, साधारण घनीजालक। दूसरा है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, काय केंद्रित घनीजालक, इसको हिंदी में कहते हैं। और तीसरा है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूब, फेस सेंटर्ड क्यूब, फलक केंद्रित घनीजालक। तो 3 टाइप के होंगे आपके, 3 टाइप के होते हैं यूनिट सेल्स। कौन कौन से? सिंपल क्यूबिक, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब बोलते हैं इसको, और FCC, फेस सेंटर्ड क्यूब। तो सिंपली सिंपल नाम से ही ध्यान रख लीजिए, सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC। अब इसके बारे में, एक एक के बारे में अलग अलग से बात करते हैं कि ये तीनों चीजें हैं क्या। अब बात करते हैं हम सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल क्यूबिक सेल, तो सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में क्या क्या चीजें ध्यान रखना है। सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है? तो देखो, एक यूनिट सेल जिसके अंदर जो सिचुएशन है वो इस तरह से रहती है। सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर क्या होता है, जितने कॉर्नर्स हैं इसके, हर कॉर्नर पर एक एटम प्रेजेंट होगा। तो व्हाट हैपेंस इन अ सिंपल क्यूबिक सेल, देयर आर 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ये यहाँ पे आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये इधर आएगा 1, 8, ये वाला यहाँ पे नहीं रहेगा, ये रॉन्ग हो रहा है, दिस वन इज द रॉन्ग। तो ये आपका फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूं मैं इसको, ताकि सभी चीजें परफेक्टली आप देख पाओ। तो सिंपल क्यूबिक सेल की क्या सिचुएशन है, सिंपल क्यूबिक सेल के अंदर 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, क्यूब के सभी 8 कॉर्नर पर एक एक एटम प्रेजेंट रहता है। तो ये होता है सिंपल क्यूबिक सेल, दिस इज अ सिंपल क्यूबिक सेल, साधारण घनीजालक। ठीक है, तो 8 एटम्स आर प्रेजेंट, सीधे सीधे ध्यान रख लीजिए, 8 एटम्स आर प्रेजेंट, 8 एटम्स या कॉन्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं, 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। ओके, 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, सभी क्यूब के सभी कॉर्नर्स पर एक एक एटम प्रेजेंट रहेगा। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 8 होंगे। तो दिस इज अबाउट अ सिंपल क्यूबिक सेल, ये हुआ सिंपल क्यूबिक सेल। अब बात करते हैं अगले के बारे में, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, BCC। तो इन केस ऑफ BCC स्ट्रक्चर, इन केस ऑफ BCC सेल, 8 एटम्स आर प्रेजेंट, देखो 8 एटम तो कॉर्नर पे रहेंगे, एंड 1 एटम इन द सेंटर, एक एटम कहाँ रहेगा? सेंटर में रहेगा। दिस इज अ BCC स्ट्रक्चर। तो BCC में क्या ध्यान रखना है, 8 एटम्स आर प्रेजेंट, 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट द
eight corners. Eight atoms are present at the eight corners, and one atom is inside the center. Inside the center. और जो सेंटर वाला एटम रहेगा वो सबके साथ कोऑर्डिनेट करेगा. जो सेंटर होता है वो हमेशा सबके साथ मिला हुआ होता है, सबके साथ कोऑर्डिनेट करता है. ठीक. तो व्हाट इज द बीसीसी स्ट्रक्चर. एट एटम्स आर प्रेजेंट एट द एट कॉर्नर्स एंड वन एटम इनसाइड द सेंटर. एक एटम कहाँ होगा? इनसाइड द सेंटर होगा. तो ये हुआ आपका दूसरे टाइप का यूनिट सेल. अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के यूनिट सेल के बारे में. दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूब, एफसीसी. तो व्हाट इज इन एफसीसी स्ट्रक्चर? एफसीसी में क्या है? तो देखिए, एफसीसी में क्या होता है, जैसे सिंपल में क्या था, एट एटम्स आर प्रेजेंट एट द एट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. अब बात हुई बीसीसी में, तो एट एटम्स आर एट द कॉर्नर एंड वन एटम इन द सेंटर. एक एटम बीसीसी में कहां पे था? सेंटर में था. एंड व्हाट हैपेंस इन एफसीसी? तो एफसीसी में भी एट एटम्स आर प्रेजेंट एट द एट कॉर्नर्स. आठ एटम जो है वो क्यूब के एट कॉर्नर्स पर प्रेजेंट रहेंगे, मतलब हर कॉर्नर पे एक एटम प्रेजेंट रहेगा, सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं. ठीक है. एंड सिक्स एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेसेस. और छह एटम कहां पे रहेंगे? फेसेस के अंदर रहेंगे. तो फेस में से आपको बाहर से इस तरीके से दिखाई देगा, जो अंदर का फेस दिख नहीं रहा है वहां पे भी एक एटम रहेगा. तो व्हाट हैपेंस इन एफसीसी? एट एटम्स एट एट एटम्स आर एट द कॉर्नर्स आर एट द एट कॉर्नर्स. एट एटम्स आर प्रेजेंट एट द एट कॉर्नर्स एंड सिक्स एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेसेस. सिक्स एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेसेस. और छह एटम कहाँ पे रहेंगे? इसके सिक्स फेस के ऊपर रहेंगे. तो सिक्स एटम्स आर प्रेजेंट एट द फेसेस. तो अब ये तीनों हो गए आपके सिंपल क्यूबिक. एट एटम्स आर एट द एट कॉर्नर्स, मतलब हर कॉर्नर पर एक एटम है, तो वो सिंपल क्यूबिक है. और हर एटम पर एक एटम, हर कॉर्नर पर एक एटम है और एक एटम सेंटर के अंदर है, तो वो हो गया बीसीसी. एंड एट एटम्स आर द कॉर्नर एंड सिक्स एटम्स आर द फेसेस, दिस इज एफसीसी स्ट्रक्चर. तो ये हुआ आपका एफसीसी स्ट्रक्चर. अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल. किसी के अंदर एक यूनिट में कितने एटम होंगे वो कैसे हम निकालेंगे? तो बात कर लेते हैं इसके बारे में. तो सबसे पहले आएगा, देखो, टाइप ऑफ यूनिट सेल. टाइप ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का टाइप. और NC is the number of atoms at corner. NF is the number of atoms at the faces. NI is the number of atoms inside or in the center. और इसके बाद number of atoms in a unit cell. Number of atoms in unit. Number of atoms in unit. हर सेल के एक यूनिट में कितने नंबर रहेंगे? नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल. इसका फॉर्मूला होता है, तो पहले फॉर्मूले की बात कर ले तब आगे चलते हैं. तो देखो, इसका जो फॉर्मूला है निकालने का, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इक्वल टू एनसी बाय एट. एनसी इज द एटम सेट कॉर्नर. एनएफ बाय टू प्लस एनआई बाय वन. सेंटर का सबके साथ कोऑर्डिनेशन रहेगा, तो एनआई बाय वन. अब बात करते हैं हम सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में. तो सिंपल क्यूबिक में क्या चीज हमने देखा था? एट एटम्स आर द कॉर्नर.
नो एटम्स आर द फेसेस, नो एटम इज इनसाइड, और अंदर पे भी सेंटर में भी कोई एटम नहीं था सिंपल क्यूबिक में, तो ओनली एट एटम्स आर एट द कॉर्नर। तो देखो एनसी बाय एट, नंबर ऑफ एटम्स एट द कॉर्नर एट, एट बाय एट, तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको, वन मिल जाएगा। तो देयर इज इन अ सिंपल क्यूबिक सेल वन एटम्स आर प्रेजेंट इन ईच यूनिट सेल, हर यूनिट सेल में, हर यूनिट में एक एटम प्रेजेंट रहेगा। अब बात करते हैं हम बॉडी सेंटर्ड क्यूब के बारे में, तो व्हाट हैपेंस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूब, एट एटम्स आर एट द कॉर्नर, नो एटम एट द फेसेस, वन एटम इन द सेंटर। तो नाउ NC by 8 plus Ni by 1, तो 1 by 1, 1, और यहां से NC by 8, तो 8 by 8, 1, और सेंटर वाला 1, तो कुल मिला के कितने हो गए, 2 atoms are there in the unit, okay? अब बात करते हैं FCC के बारे में, what happens in FCC? तो FCC में क्या है, 8 atoms are at the corner, 6 atoms are at the faces, नो एटम इन द इनसाइड द सेंटर, सेंटर के अंदर कोई एटम नहीं था FCC में। तो नाउ द नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल इज 8 बाय 8, तो 1 आ गया, 6 बाय 2, तो 3 आ गया, 3 प्लस 1, तो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो दिस इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट्स, इन द यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक में कितने हो गए, 1, BCC में कितने हो गए इफेक्टिव एटम्स, 2, और FCC में इफेक्टिव एटम्स कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी आगे भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इन डिफरेंट यूनिट सेल्स, ओके। तो सिंपल क्यूबिक में 1, BCC में 2, और FCC में 4 एटम्स प्रेजेंट रहते हैं, ये ध्यान रखना है। अब बात करेंगे 1 by 1 इन यूनिट सेल के रेडियस के बारे में और डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम के बारे में, तो अगले पॉइंट पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करना शुरू करते हैं हम अगले टॉपिक पर, तो दैट टॉपिक इज, अब अगला टॉपिक हम लोग क्या लेने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, nearest neighbor distance, relation between nearest neighbor distance, इसको हम D से लिखेंगे, radius, इसको हम R से लिखेंगे, nearest distance is the D और radius is the R, radius, nearest neighbor distance and radius of atom and HA of a unit cell and HA of a unit cell। तो देखो किस किस चीज के बीच में हम रिलेशन देखना चाहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट एटम, रेडियस, और उसके साथ साथ एज, एज मतलब कोर की लंबाई, एज लेंथ होता है, जैसे हमने अभी आपसे बताया था कि ये चीज जो है वो एज है, ए है, जहां पे एटम प्रेजेंट रहेंगे, दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो ये, और इसके बीच का जो रेडियस रहेगा वो ए बाय टू हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्टेंस, रेडियस और एज के रिलेशन के बारे में अब हम बात करेंगे अलग अलग यूनिट सेल के लिए, जो तीनों टाइप के यूनिट सेल्स हमने पढ़े हैं उनके बारे में। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट सिंपल क्यूबिक सेल, तो सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल
तो एक दो चीजें और ध्यान रखना है। अगली पहली बात इसमें ध्यान रखेंगे सिंपल क्यूबिक में, इट हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इट हैज कोऑर्डिनेशन नंबर, आगे आएगा टर्म ये, कोऑर्डिनेशन नंबर, इट हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसकी समन्वयन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जितने एक सेंटर स्फीयर को जितने अदर स्फीयर डायरेक्टली टच करते हैं उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मान लो ये एक स्फीयर है और इसको टच करने वाले जितने भी डायरेक्टली टच करने वाले इसको स्फीयर हैं वो सब इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करते हैं। जैसे चार स्फीयर एट द टाइम एट द मोमेंट इसको सेंटर स्फीयर को टच कर रहे हैं तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। सॉलिड स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम दैट इज डायरेक्टली इन द कॉन्टैक्ट विद वन ऑफ द सेंटर स्फीयर और वन ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे के पॉइंट पे। तो सिंपल क्यूबिक में क्या ध्यान रखना है, इट हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। और इसमें और क्या चीज ध्यान रखना है, तो देखो सेंटर स्फीयर के बारे में हमने बात, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। और अगर दो नियरेस्ट एटम के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम ए कंसीड करते हैं तो जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, ए बाय टू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक क्यूब, हम एक हमने यूनिट सेल देखा और यहाँ से दो के बीच का डिस्टेंस ए और बी के बीच का डिस्टेंस अगर मान लीजिए कुछ ए है, देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज ए, ठीक। तो सिंपल क्यूबिक के अंदर जो रेडियस होगा वो दो के बीच का डिस्टेंस ए बाय टू, या आप इसको डिस्टेंस से लोगे तो डी बाय टू भी कह सकते हो। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी बाय टू हो जाएगा, डी इक्वल टू ए बाय टू, ठीक है। तो सॉरी डिस्टेंस रेडियस हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, ए बाय टू, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो एच के बराबर ही होगा तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इज ए, और रेडियस क्या हो जाएगा इसका, आधा, इसका हाफ पोर्शन, तो आर इक्वल टू क्या हो गया, ए बाय टू, और डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डी इक्वल टू नियरेस्ट एटम के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो दिस इज फॉर सिंपल क्यूबिक सेल, ये आया सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। अब बात करते हैं अगले वाले के लिए, तो नेक्स्ट इज द नेक्स्ट हम लोग लेते हैं FBCC के, सिंपल क्यूबिक के बाद ले लेते हैं FCC के लिए। तो FCC कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक में कितनी होती है ये ध्यान रखना है। सिंपल क्यूबिक के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, और इसके बाद FCC इट हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 12, इट हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 12, इट हैज कोऑर्डिनेशन नंबर इट हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 12, इसकी समन्वयन संख्या 12 होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका रेडियस कैलकुलेट करना चाहें तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो देखो पहले तो यूनिट सेल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हुआ मान लीजिए ये यूनिट, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है इसकी, 12 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। और यहाँ पे एक अगर हम इक्वलेटरल ट्राइंगल के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से ए, ये हुआ ए से बी, और फिर बी से कहाँ पे गया है, ये सी पे आया, बी से कहाँ आया, सी पे आया, ठीक है ना। तो बी से सी पर गया, ठीक, बी से सी। तो यहाँ का ये जो डिस्टेंस, ये जो लेंथ है वो कितनी है, ए है, ये वाली लेंथ कितनी है इसकी,
ये वाली लेंथ इसकी हो जाएगी, अच्छा ये जो लेंथ है ये ऐसा रहेगा ना, तो देयर इज, एक बार फिर से इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं तो थोड़ा क्लियर दिखेगा ये आपको। तो ए टू बी और बी टू सी ऐसा रहता है, ठीक है, ए टू बी और बी टू सी। तो यहाँ की ये जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ए, और फिर ए टू बी और बी टू सी, और सी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ऐसा जाना चाहिए, है ना। एक बार क्लियर इसको ड्रॉ करते हैं तब आ जाएगा ये। तो देखो इसमें जो तरीका होता है कैलकुलेट करने का वो है सिंपल इक्वेशन लगाते हैं, दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और ए से बी के बीच का डिस्टेंस ए से बी के बीच का डिस्टेंस ए बी के बीच का डिस्टेंस ए, और बी सी के बीच का डिस्टेंस भी ए अगर है तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, बी सी के बीच का डिस्टेंस भी कितना है ए है, तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा टू ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा टू ए स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा, अगर आप इसको हटाएंगे हम तो ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर को हटा दिया तो आ जाएगा रूट टू इंटू ए का स्क्वायर, तो क्या बचेगा ए बचेगा, तो ए सी इक्वल टू क्या बचेगा टू रूट ए, टू रूट रूट टू इंटू ए, रूट टू इंटू ए, और जो डिस्टेंस होती है यहां पे जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी ए सी बाय टू हो जाएगी, क्योंकि ए सी बीच में ऐसा रहता है तो ए सी बाय टू हो जाएगी, ए सी बाय टू इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसी है ए सी बाय टू, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आर इक्वल टू ए बाय टू रूट टू हो जाएगा, ए बाय टू रूट टू हो जाएगा, ए बाय टू रूट टू, तो एफ सी सी में कितना आ जाएगा आर ए बाय टू रूट टू, और नियरेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट, तो डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम हो जाएगा उसका आधा, तो ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट एटम कितना हो जाएगा ए बाय रूट टू हो जाएगा, एफ सी सी के अंदर, एफ सी सी क्रिस्टल के अंदर की सिचुएशन है ये, ठीक है। अब बात करते हैं एफ सी सी के बाद बी सी सी की, केवल आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, बस कुछ काम नहीं करना है, केवल फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो एफ सी सी में रेडियस कितनी हो जाएगी ए बाय टू रूट टू, और डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट कितना हो जाएगा ए बाय टू था तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ए बाय रूट टू आ जाएगा, ए बाय रूट टू आ जाएगा डिस्टेंस, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एफ सी सी के बाद बी सी सी के बारे में, और बी सी सी में क्या चीज ध्यान रखना है, तो बी सी सी में जो रेडियस होता है इसका फॉर्मूला सीधे सीधे ले लेंगे हम तो क्या हो जाएगा रूट थ्री बाय फोर इंटू ए, रूट थ्री बाय फोर इंटू ए, जहां पे ए क्या है एज लेंथ, ए क्या है एज लेंथ, कोर की लंबाई है, ठीक है, रूट थ्री, और रूट थ्री की वैल्यू भी ध्यान रख लो, रूट थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.732, जबकि रूट टू इक्वल टू कितना होता है 1.41, ये इसकी कैलकुलेशन में हमें जरूरत पड़ेगी, तो कैलकुलेशन के लिए हम दोनों रूट वैल्यू को याद रख लेते हैं, रूट थ्री कितना 1.732 और रूट टू कितना 1.41, और यहाँ पे अब जो डी होगा डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये एक से कैंसिल हो जाएगा, तो रूट थ्री बाय टू इंटू ए, रूट थ्री
फ्रूट 3 इंटू ए बाय 2, ये हो जाएगी दो नियरेस्ट आइटम के बीच की डिस्टेंस किसके लिए, बीसीसी के लिए। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, डेरिवेशन पर जाने से भी अच्छा है कि इनको हम याद रख लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में आगे, इस पे क्या क्वेश्चंस आते हैं और कैसे वो सॉल्व होंगे, उस टॉपिक पे, उस पॉइंट पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं तो ये चीजें आपको थोड़ी और क्लियर हो जाएगी क्वेश्चंस के थ्रू। पहला, नंबर वन, सीजियम क्लोराइड हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड एक बीसीसी संरचना है, सीजियम क्लोराइड हैज अ बीसीसी अरेंजमेंट और बीसीसी स्ट्रक्चर। इट्स सेल एज लेंथ, इट्स सेल एज लेंथ इज 400 पिकोमीटर, इज 400 पिकोमीटर। इसके कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है, 400 पिकोमीटर। कैलकुलेट द इंटर आयोनिक डिस्टेंस, मतलब डी पूछ रहा है, कैलकुलेट द इंटर आयोनिक डिस्टेंस, कैलकुलेट द इंटर आयोनिक डिस्टेंस इन सीजियम क्लोराइड आयंस। तो सीजियम क्लोराइड आयंस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट द इंटर आयोनिक डिस्टेंस बिटवीन सीजियम क्लोराइड, तो बीसीसी है तो रेडियस कैसे निकलेगा, रूट 3 बाय 4 इंटू ए। बीसीसी का रेडियस कैसे निकलेगा, रूट 3 बाय 4 इंटू ए। तो रेडियस देखिए कैसा आ गया, रूट 3 कितना हो गया, 1.732, और एज लेंथ कोर की लंबाई कितनी है, 400 पिकोमीटर, और बाय 4 फॉर्मूले का तो ये हो गया 100 इंटू 1.732, तो 1.732 तक या जाएगा, 100 रूट 3 भी लिख सकते थे इसको हम, तो चाहो तो सिंपली आप इसको 100 इंटू 1.732 तो 173.2 लिख सकते हैं हम। और कैसे लिख सकते थे हम, 100, ये आ गया 100 और ये आ गया रूट 3, तो 100 रूट 3 भी लिख सकते हैं ना। अब डिस्टेंस क्या होता है, तो रेडियस हो गया, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू हो जाएगा टू आर। डिस्टेंस क्या होता है, 2 इंटू आर, रेडियस जितना है उसका डबल हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 इंटू आर, और आर कितना है, 100 रूट 3, ठीक है। तो 100 रूट 3 तो कितना हो गया, 100 इंटू 1.732 इंटू 2, तो 200 हो गया, 200 इंटू 1.732 तो आ जाएगा 346.4 पिकोमीटर, 1.732 तक हम आ गए थे यहाँ पे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी आ जाएगा 346.4 पिकोमीटर। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सीजियम एंड क्लोराइड आयन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 346.4 पिकोमीटर का रहेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ एन एटम। अगला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ एन एटम, द रेडियस ऑफ एन एटम, किसी एटम के लिए रेडियस, रेडियस ऑफ एन एटम इज 75 पिकोमीटर। तो यहां पे रेडियस आपको गिवन है, रेडियस ऑफ एन एटम इज 75 पिकोमीटर, ओके। एंड द लैटिस टाइप इज बीसीसी, एंड द लैटिस टाइप मतलब वो क्रिस्टल कौन सा है, द लैटिस टाइप इज
बीसीसी और वो एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल है. लैटिस टाइप इज बीसीसी. व्हाट इज द एज लेंथ? व्हाट इज द एज लेंथ? तो ए निकालना है इस बार. व्हाट इज द एज लेंथ? एज लेंथ निकालनी है, एज लेंथ या डी निकालना है. तो डी तो ए बाई टू हो जाएगा, तो एज लेंथ निकालनी है. ठीक है, तो क्या हो गया देखो, आर इक्वल टू कितना होता है, रेडियस इक्वल टू रूट थ्री बाय फोर इंटू ए. ये फॉर्मूला है किसके लिए, रेडियस के लिए. रेडियस कैसे, रूट थ्री बाय फोर इंटू ए. इस बार आपको क्या दिया हुआ है, इस बार आपको आर दिया हुआ है और ए आपको फाइंड आउट करना है. तो 4r बाय रूट थ्री हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4r बाय रूट थ्री, 4r बाय रूट थ्री. तो 4 इंटू 75 और रूट थ्री की वैल्यू कितनी है, 1.732. रूट थ्री की वैल्यू कितनी है, 1.732. तो 75 300 हो जाएगा, 300 बाय 1.732. तो लगभग 1.75 मतलब 2 के आसपास ही जा रहा है, तो 150 से थोड़ा आंसर ऊपर आएगा, 173.2 पिकोमीटर यहां पे आपको मिल जाएगा एच. तो एच लेंथ कितना मिल गया, 173.2 पिकोमीटर. ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ एन एटम इज, रेडियस ऑफ एन एटम इज 500 पिकोमीटर. 500 पिकोमीटर है किसी एटम के लिए, रेडियस है 500 पिकोमीटर. इट्स स्ट्रक्चर इज एफसीसी. सीधे सीधे लिख देते हैं, स्ट्रक्चर इज एफसीसी और ये एक एफसीसी प्रकार की संरचना है. इट्स स्ट्रक्चर इज एफसीसी. व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द यूनिट सेल? तो व्हाट इज एज लेंथ ये पूछा है. व्हाट इज एज लेंथ? एज लेंथ कितनी होगी, ए कितना होगा, ये निकालना है. तो एफसीसी के लिए रेडियस का फॉर्मूला होता है ए बाय टू रूट टू. एफसीसी के लिए रेडियस का फॉर्मूला कितना होता है, ए बाय टू रूट टू. तो ए का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ए इज व्हाट, आर इंटू टू रूट टू. ठीक है, तो आर कितना है, 500 और यहां पे टू. रूट टू की वैल्यू कितनी, 1.414. ठीक है, तो 500 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो 1000, तो 1441 पिकोमीटर इज द आंसर. 1441 पिकोमीटर यहां पे आपको आंसर मिल जाएगा. तो दिस इज द कैलकुलेशन रिलेटेड विद द एच, रेडियस एंड डिस्टेंसेस. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ज़ेनॉन क्रिस्टलाइज इन एफसीसी. ज़ेनॉन क्रिस्टलाइज इन एफसीसी. ज़ेनॉन का क्रिस्टलीकरण एफसीसी संरचना के द्वारा होता है. द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 620 पिकोमीटर. इज 620 पिकोमीटर. इसका एज लेंथ कितना है, 620 पिकोमीटर है. What is the nearest neighboring atom distance? What is the nearest neighboring atom distance?
तो नियरेस्ट नेबरिंग एटम का डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले नियरेस्ट नेबरिंग एटम का डिस्टेंस, तो डी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाय टू रूट टू होता है नॉर्मली, तो वन बाय टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, डी इक्वल टू ए बाय रूट टू। डी इक्वल टू नियरेस्ट नेबरिंग का डिस्टेंस कितना होता है, डी इक्वल टू ए बाय रूट टू, ए बाय रूट टू, और ये आ जाएगा आपका 620, और रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414, तो 1.414 डेढ़, तो 400 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आना चाहिए, 438.5। अगर मान लो यहाँ पे रेडियस भी पूछता तो रेडियस क्या हो जाएगा, ए बाय टू रूट टू, रेडियस भी पूछता तो क्या हो जाता, आर इक्वल टू ए बाय टू रूट टू, एफ सी सी है ना, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बाय टू रूट टू, और एज लेंथ आपको दिया हुआ है उसकी वैल्यू रख दीजिए, डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा रेडियस। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड विद द रेडियस, ये रेडियस से रिलेटेड, ए से रिलेटेड और डिस्टेंसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, तो अगला क्वेश्चन, एन आयोनिक सॉलिड, एन आयोनिक आयोनिक सॉलिड, एक आयोनिक सॉलिड है ए प्लस बी माइनस, एन आयोनिक सॉलिड इज ए प्लस बी माइनस, हैज बीसीसी अरेंजमेंट, हैज बीसीसी अरेंजमेंट, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बीसीसी है, बीसीसी अरेंजमेंट, हैज बीसीसी अरेंजमेंट, इफ द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, इफ द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 404 पिकोमीटर, इसका एज लेंथ कितना है 404 पिकोमीटर, कैलकुलेट द इंटरआयोनिक तो हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे उसको एक बार फिर से दोबारा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन के समय ही सडनली पावर कट ऑफ हो गया, और पावर कट ऑफ होने के बाद वो क्वेश्चन हमारा छूट गया था, काफ़ी देर के बाद आया कल पावर, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है लेकिन कल ऐसा हुआ, तो अब इसको क्वेश्चन को हम लोग दोबारा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था उसको देखते हैं, एन आयोनिक सॉलिड, तो क्वेश्चन था हमारा एन आयोनिक सॉलिड एक आयोनिक सॉलिड है ए बी, तो ए प्लस बी माइनस ऐसा हम कह सकते हैं, एन आयोनिक सॉलिड इज ए प्लस एंड बी माइनस, एन आयोनिक सॉलिड इज ए बी, हैज बी सी सी स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बी सी सी स्ट्रक्चर, एनायोनिक सॉलिड हैज बी सी सी स्ट्रक्चर, उसकी संरचना कैसी है, बी सी सी है, इफ द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, इफ द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, अगर उसके यूनिट सेल का एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज 404 पिकोमीटर, उसके सेल का, उसके
यूनिट सेल का एज लेंथ 404 पिकोमीटर है, 404 पिकोमीटर। कैलकुलेट द इंटर आयोनिक डिस्टेंस, कैलकुलेट द इंटर आयोनिक डिस्टेंस, इंटर आयोनिक डिस्टेंस, कैलकुलेट द इंटर आयोनिक डिस्टेंस, कैलकुलेट द इंटर आयोनिक डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का, ए प्लस और बी माइनस के बीच का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, ये पूछा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। एन आयोनिक सॉलिड ए प्लस बी माइनस हैज बी सी सी स्ट्रक्चर, और उसका बी सी सी स्ट्रक्चर है, सेल एज लेंथ दिया हुआ है आपको 404 पिकोमीटर का, और आपको कैलकुलेट करना है इंटर आयोनिक डिस्टेंस। तो बी सी सी के लिए इंटर आयोनिक डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा D इक्वल टू हो जाएगा √3 × a/2, √3 × a/2 इज द सिंपल फॉर्मूला। अब 404 पिकोमीटर का आपको दिया हुआ है इंटर आयोनिक डिस्टेंस, और √3 की वैल्यू हो जाएगी 1.732 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 202 × 1.732, और आंसर हो जाएगा 349.86 पिकोमीटर आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इंटर आयोनिक डिस्टेंस फॉर दैट पर्टिकुलर सेल इज 3, दैट पर्टिकुलर आयन, दो पर्टिकुलर आयन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 349.86 पिकोमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन को के बाद अब हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे आगे के पोर्शन पर। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.